हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम द स्क्विरल के समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द पोएट सॉ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। जो कवि है उन्होंने एक गिलहरी को देखा जो कि पेड़ पे बैठी हुई है और वो नट्स खा रही है। इट्स टेल वॉज रेज्ड अपवर्ड्स, और उसकी जो पूंछ थी वो ऊपर की साइड हो रखी थी, विद द टिप पॉइंटिंग टू डाउनवर्ड्स, और जो पूंछ की जो टिप थी वो नीचे की साइड थी, यानी कि वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा था। दस द टेल सीम टू बी मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क, और इसीलिए पूंछ ऐसी लग रही थी जैसे कि वो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा हो, क्वेश्चन मार्क बन रहा हो। इट हैड अ ग्रे कोट, और जो स्क्विरल थी, जो गिलहरी थी, उसका एक ग्रे कोट था, भूरे कलर का कोट था स्किन पे। इट वॉज सो लूज दैट द पॉइट कॉल्स इट एन ओवरकोट, और वो ग्रे कोट इतना ढीला था कि वो ऐसा लग रहा था कि उसने एक ओवरकोट पहन रखा है। इन ऑर्डर टू ईट अ नट इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट, क्योंकि वो नट खा रहा था इसलिए वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। स्क्विरल इज फनी लिटिल एनिमल दैट लाइक्स टू प्ले विथ ह्यूमन बींग्स, और जो स्क्विरल है बहुत ही ज़्यादा फनी छोटे से एनिमल है, जानवर है, जिनको इंसानों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। इफ ह्यूमन बींग्स रैन राउंड हिज ट्री द स्क्विरल वुड नॉट बी फ्राइटेंड, और अगर कोई इंसान उस पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा तो जो गिलहरी है वो डरेगी नहीं। इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले, और इसको पसंद है कि कोई इसको चिढ़ाए। टीज का मतलब है चिढ़ाना, प्ले का मतलब है खेलना। तो स्क्विरल को पसंद है कि कोई इसको टीज करे, कोई इसके साथ खेले। टू डू सो इट वुड ऑल्सो रन अराउंड द ट्री बट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, और ये करने के लिए गिलहरी भी ट्री के चारों तरफ दौड़ लगाएगी पर दूसरी तरफ से। सो दिस वॉज दिस शॉर्ट समरी ऑफ द पोम द स्क्विरल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस। चेक आउट अदर वीडियो लेसन बाय क्लिकिंग ऑन द वीडियो।